हेलो, मैं डॉक्टर सरिता। वेलकम बैक टू माय डॉक्टर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि स्किन के हर इश्यूज को देख रहे हैं, हर प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और उसके उसके हम कारण भी देख रहे हैं। उसी तरह से हम होम्योपैथी दवा से उनका इलाज करते जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि अपने आने वाली सीरीज में हम उन्हें भी शामिल करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राई स्किन आखिर होती है तो उसके पीछे के कारण क्या है, और फिर उसका निवारण कैसे करें, और कुछ एक होम्योपैथी मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगी जिससे वो समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसका मतलब यह है, इट इज ऑब्वियस दैट तुम आपकी जो ये स्किन के सिबेशियस ग्लैंड है वो कम सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो ये उसका कारण मेन है कि एजिंग भी उसका कारण है। जैसे जैसे एज हो जाती है, स्किन थोड़ा सिबेशियस ग्लैंड थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा कारण है कि हम ज़्यादा गर्म पानी से नहाते जब है, तब हमारा जो नेचुरल मॉइस्चराइज, जो हमारा जो नेचुरल ऑयल है ऑन आवर स्किन, वो वॉश आउट हो जाता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हम विंटर जब होता है, ठंडी में कोई मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को नहीं लगाते। विंटर में हमारा बाहर जो ह्यूमिडिटी कम होती है बाहर के वेदर में, और फिर वो जो हवा होती है वो बिल्कुल ड्राई हवा होती है, तो वो ड्राई होने की वजह से जहाँ से भी मॉइस्चर मिले वो तो उसका एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो हमारी स्किन भी कम मॉइस्चर भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर हमारी स्किन ड्राई आउट हो जाती है। चौथी वजह है थायराइड डिसीज। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है तो फिर आपको तो पता है कि जब जो थायराइड ग्लैंड अगर स्लो है, काम बराबर से नहीं कर रही है, तो वो हमारे दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उस पर भी इफेक्ट करती है। उसकी वजह से सिबेशियस ग्लैंड और हमारी स्वेट ग्लैंड है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी स्किन फिर सीबम नहीं मिलता है जो प्रॉपरली, इसकी वजह से हमारी स्किन फिर ड्राई आउट हो जाती है। थायराइड प्रॉब्लम को हम डिटेल में लेंगे, हमारी थायराइड की जो सीरीज आ रही है उसमें डिटेल में लेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि सूखी जो ड्राई स्किन है उसको हम कैसे ट्रीट करें। तो अभी आप क्या करें, एक एलोवेरा जेल लें, और किसी भी अरोमा शॉप से, अरोमा ऑयल का शॉप होते हैं ना, वहाँ पे आपको अरोमा ऑयल्स मिलेंगे, वहाँ से आप सिर्फ सैंडलवुड ऑयल जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है तो उसको आप खरीद लें, और आपको एलोवेरा जेल में, एलोवेरा जेल एकदम ट्रांसपेरेंट हो जिसमें और कुछ भी मिलाया गया ना हो, एलोवेरा जेल जो भी आप यूज़ करें वो देख लेना, उसमें आपको सिर्फ एक या दो ड्रॉप्स, ओनली वन ड्रॉप या दो ड्रॉप आपको उसमें मिला देने हैं, और उसको ही आपको मॉइस्चराइजर, एज ए मॉइस्चराइजर आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको उसको ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है सैंडलवुड ऑयल को। तो आप, ये आपका मॉइस्चराइजर बन गया, तो उसको आपको लगा देंगे, आपका दैट इज इनफ फॉर यू। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, उससे बहुत ज़्यादा है मात्रा में, तो मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करूँगी जिसका नाम है पेट्रोलियम 200 CH। आपको ये खरीदना है होम्योपैथी, किसी भी होम्योपैथी फार्मेसी से, और उसको आपको दिन में सिर्फ एक बार, सुबह को या फिर रात को, सिर्फ एक बार लेना है। पेट्रोलियम मेडिसिन जो है वो मेडिसिन आपकी सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड पे डायरेक्ट वर्क करती है, और फिर कुछ ही दिनों में आपका ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ एक महीना या एक से डेढ़ महीने आप उसको लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपको नेचुरली आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट होती जा रही है। उसके बाद आप उसको बंद कर दें, दिन में सिर्फ एक बार लेना है, उसके तीन या चार ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन योर टंग यू हैव टू टेक, एंड बिफोर 20 एंड आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ टेकिंग दैट मेडिसिन यू शुड नॉट टेक एनीथिंग, कुछ भी आपको अपने मुंह में नहीं डालना है, ताकि उसका असर अच्छे से हो जाए। स्किन डिसीज के अगले एपिसोड में मिलते हैं और एक स्किन प्रॉब्लम के साथ।